हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर दोस्तों, जिसका नाम स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है, नाम है लेट्स क्रिएट वेल्थ। दोस्तों आप देख ही रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जो कि नाम लिखा हुआ है, और मकसद आप जानते हैं इस चैनल का, सिर्फ आप लोग मार्केट से मतलब स्टॉक मार्केट से बहुत ही अच्छी वेल्थ बनाइए। यही मैं ऊपर वाले से हमेशा दुआ और कामना करता हूँ कि आप लोग मार्केट से एक शानदार वेल्थ बनाएं दोस्तों। तो दोस्तों बात करेंगे आज के दिन की वीडियोस की, तो दोस्तों अभी तक तीन वीडियो डाले हैं। ये मैंने अभी एक मिनट पहले एक वीडियो डाला है दोस्तों, केमिकल सेक्टर का बब्बर शेयर, हर गिरावट पर आपको इसमें माल उठाना है। एक इस वीडियो मैंने ये डाला दोस्तों, मार्केट चले या फिर गिरे, यह स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न देता और रॉकेट रैली जारी रहती है हमेशा। और दोस्तों एक वीडियो मैंने ये डाला, ऐसा मल्टी बैगर मात्र एक साल में पैसा किया है इसने 15 गुना के आसपास। तो जाके देखिएगा दोस्तों, ये अच्छे स्टॉक्स हैं सारे जो मैंने वीडियो डाले हैं, आपको हो सकता है इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे जो आपके काम की हो सकती है दोस्तों। खैर दोस्तों, अभी इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ, बहुत दिनों से बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने आज इस स्टॉक को चुना। मेरा फेवरेट स्टॉक है, कंपनी भी अच्छी है और जिस सेक्टर को बिलोंग करती है वो एक मल्टी बैगर सेक्टर भी है दोस्तों, और अच्छा खासा इसने प्रदर्शन भी किया है। तो आखिर स्टॉक ऐसा है कौन सा, चलिए सब कुछ बताऊंगा आप बस वीडियो के अंदर दोस्तों, बने रहिएगा। तो दोस्तों बात करूंगा दमदार कंपनी पाइप सेक्टर को बिलोंग करने वाली प्रिंस पाइप लिमिटेड या प्रिंस पाइप फिटिंग्स एंड लिमिटेड की। दोस्तों लगातार स्टॉक में हो रही है गिरावट, अभी करना क्या चाहिए इस स्टॉक के अंदर, मतलब फ्रेश बाइंग करें, होल्ड करें जिसके पास है, या सेल करें। तो दोस्तों इसके बारे में बताने वाला हूँ, ये स्टॉक क्या है, अब क्या करना चाहिए इसमें, और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या नज़र आते हैं। जैसा आप जानते हैं ब्रांड जो है प्रिंस पाइप का, जीरो डिफेक्ट को लेके कामकाज करती कंपनी, और दोस्तों बहुत ही आलीशान कंपनी है। यकीन जानिए दोस्तों, ये स्टॉक आपको इतने मल्टी बैगर रिटर्न कमा के दे सकता है यदि आप इसे अपने पोर्टफोलियो में बस संजो के रखे रहिएगा। तो खैर चलते हैं दोस्तों वीडियो में, सब कुछ बताने वाला हूँ, और आपको अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा, पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब की लीजिए ताकि आप लोगों से कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो ना छूटे जो वेल्थ क्रिएशन के पायदान में आपके आड़े आए। तो दोस्तों स्टॉक को पूरा देखा करिए, मतलब वीडियो को, ताकि आप लोग हर चीज़ को जान सकें जो आपको खुद ही समझ में आए कि ये स्टॉक हमें फ्यूचर के लिए लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। किसी की हेल्प की आपको आवश्यकता ना पड़े, बस यही हम चाहते हैं, और आप भी ये सब चीज़ें सीखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, और आप सारी चीज़ें बहुत ही तेज़ी से पकड़ लेंगे ऐसा मुझे उम्मीद है पूरी। खैर जैसा आप जानते हैं, इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार है, और प्रिंस पाइप फिटिंग लिमिटेड दोस्तों जब से मार्केट में लिस्ट हुई है धुआंधार इसने प्रदर्शन किया है, और ये स्टॉक इतना ज़्यादा बेहतरीन है दोस्तों, लॉन्ग टर्म का अगर आप पॉइंट लेके चलेंगे तो ये स्टॉक आपको मल्टी बैगर रिटर्न कमा के दे सकता है, क्योंकि बिजनेस बहुत ही आलीशान है और छोटी कंपनी है तो लगातार बिजनेस एक्सपेंड करती हैं छोटी कंपनियाँ। बात करें अगर आज के दिन की तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, आप देख सकते हैं 695 रुपये पर जाके क्लोज होता दिखाई दिया है। और दोस्तों आपने देखा होगा एक काफ़ी लंबे समय से कंसोलिडेशन की जोन में घूम रहा है, लेकिन दोस्तों ये स्टॉक बड़े मूव देने वाला है, कभी भी दे सकता है। अभी क्वार्टर वन के नतीजे आएंगे, डेट पता नहीं अभी आई है कि नहीं आई, अगर आई होगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक हफ्ते में स्टॉक करीब करीब 3.5 से 4.5% का फॉल दिखाता है। यदि बात करें एक महीने की, ऑलमोस्ट 1% से भी कम के रिटर्न है, तो फ्लैटेस्ट मोड कहेंगे इसे हम। 6 महीने में आप यहाँ से इसकी ताकत देखिए, 132% के गजब के रिटर्न इसने प्रेजेंट किए। इस साल की जब से शुरुआत हुई 127% के रिटर्न, जो कि बहुत ही आलीशान रिटर्न माने जाएंगे दोस्तों। अगर एक साल का हम होराइजन लेते हैं तो दोस्तों 550% के रिटर्न दे चुका है। तो दोस्तों जो स्टॉक ऑलरेडी पैसा एक साल में 6.5 गुना कर चुका है, तो दोस्तों थोड़ा बहुत या तो करेक्शन आएगा उसमें या कंसोलिडेशन आएगा। अच्छी बात यह है स्टॉक में करेक्शन नहीं देखने को मिला, आपको पता है करीब 798 रुपये के आसपास का हाई है और ऑलमोस्ट 100 रुपये नीचे है, तो कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आया है इसमें, धीरे धीरे करके ये थोड़ा बहुत गिरता है बढ़ता है गिरता है बढ़ता है। आप जानते हैं जब कोई स्टॉक इतनी बड़ी रैली कर चुका होता है वो 30-40% में कभी भी फॉल दिखा सकता है, और जब वो स्टॉक मिड कैप या स्मॉल कैप का हो तो आप जानते हैं मिड कैप की कंपनी है, 7,500 करोड़ का मार्केट कैप है, तो इसमें कभी भी फॉल आ सकता है, ये बात को अपने माइंड में रखिए दोस्तों। खैर ये तो प्रिंस पाइप का डिटेल था, चलिए इसके बारे में और कुछ आपको बताने की शुरुआत करते हैं।
दोस्तों आप जानते हैं पीवीसी पाइप बनाने वाली ये कंपनी है, बहुत ही शानदार काम काज कर रही है, साथ ही साथ हाउस होल्ड के लिए इंडस्ट्रियल सभी तरह के ये पाइप बनाती है जो कि सीवेज में इस्तेमाल होते हैं, इंडस्ट्रियल इस्तेमाल होते हैं और दोस्तों प्लम्बिंग में इस्तेमाल होते हैं, साथ ही साथ दोस्तों इरीगेशन मतलब एग्रो क्षेत्र में इस्तेमाल होते हैं। बात करें इसके मार्केट कैपिटल की तो दोस्तों जैसा मैंने बताया 7600 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, तो एक मिड कैप कंपनी है। प्राइस 695 दिखाया मैंने आपको, 52 वीक लो 105, हाई की बात करें तो 795 मतलब 700-800 के आसपास का हाई है। लेकिन दोस्तों इस स्टॉक में गिरावट नहीं आ रही, एक बहुत अपॉर्चुनिटी है इस बात की। स्टॉक का पी वैल्यूएशन जरा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 34.5 इंडस्ट्री का पी लगभग 30, तो ज़्यादा महंगा नहीं है, अभी भी ये अपने सही प्राइस पे है, आप इसको ले सकते हैं पोर्टफोलियो के लिए लॉन्ग टर्म में। यदि बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि 28.7% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी शानदार 23.6%, दोनों का बेंचमार्क 12% से 13% 15% के बीच में होता है तो एक अच्छा माना जाता है, जो कि बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। बात करें कंपनी के डेट टू इक्विटी की तो दोस्तों 0.08 जो कि बहुत ही बेहतरीन मतलब कम है, एक से बहुत कम है, तो एक अच्छी बात है। और बात करें अगर 3 साल पहले कंपनी के पास 372 करोड़ का कर्जा था, आज केवल 88 करोड़ का कर्जा बचा है जो कि बहुत ही शानदार बात है। लगातार डेट भी घटा लिया है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है, नया स्टॉक है। पीजी रेशियो की यहाँ पे बात करते हैं तो 0.70 का पीजी रेशियो है, अगर ये पीजी रेशियो 1 के ऊपर होता है दोस्तों स्टॉक ओवर वैल्यूड मानते हैं, 1 के नीचे है तो अंडर वैल्यूड है, 1 पे है तो लगभग फेयर के ऊपर स्पष्ट हो। दोस्तों आप अंडर वैल्यूएशन तो नहीं कहेंगे स्टॉक में, लेकिन बस ये स्टॉक के उस प्राइस पे है, यहाँ पे स्टॉक को आप परचेस कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 20 के ईपीएस पे फिलहाल कंपनी कामकाज करती देखी जा रही है दोस्तों, तो इस स्टॉक में दोस्तों आगे चल के बहुत सारे डेवलपमेंट होते आपको दिखाई देंगे, तो इस स्टॉक को आपको नज़र में ज़रूर से रखना है। ये एक फ्यूचर मल्टी बैगर है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इसीलिए जिन सब भाई लोगों के पास प्रिंस पाइप है कृपया करके मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बेचने की गलती कतई ना करें और गिरावट में ऐड करेंगे तो अच्छा मुनाफा आप बनाएंगे। बात करें कंपनी के सेल्स की, 957 करोड़ से सीधे 2072 करोड़ की सेल। यदि हम बात करें कंपनी के OPM मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, 9% से सीधे 17% पे आ चुकी है। यदि हम बात करेंगे कंपनी के फर्दर डिटेल मतलब नेट प्रॉफिट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अंत में कि कंपनी के पास बचा कितना पैसा, तो नेट प्रॉफिट 16 करोड़ से सीधे 222 करोड़ तक पहुंच चुका है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप रखिए माइंड में, ये कंपनी बहुत ही काबिलियत है इस कंपनी के अंदर। और अर्निंग पर शेयर 3.27 से आज 20.16 पे जा चुका है, तो रखिएगा नज़र में प्रिंस पाइप को, ये एक रियल मल्टी बैगर स्टॉक है। और आपने देखा है पाइप सेक्टर के जितने भी स्टॉक हैं वो सारे मल्टी बैगर हैं, पाइप सेक्टर एज वेल एज ट्यूब सेक्टर। बात करें दोस्तों इसके बैलेंस शीट की तो कंपनी के पास जो रिजर्व है 106 करोड़ था 2015 में, 2021 आते आते 933 करोड़ का रिजर्व है जो कि एक बहुत ही शानदार जंप है। बात करें डेट की 300 करोड़ से 88 करोड़ जो कि आपके सामने है देखने को मिल रहा है। और अभी कंपनी ने के पास अगर हम टोटल एसेट की बात कर लें तो अच्छे खासे इसके पास एसेट भी हैं दोस्तों, आप देख लीजिए 1606 करोड़ के एसेट भी देखने को मिलते हैं। तो कंपनी मुझे तो बहुत ही पसंद है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे आप कंसीडर कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, प्रमोटर की होल्डिंग 63.25 की, FII की होल्डिंग इसमें 3% से ज़्यादा है, वो आप देख लीजिए किस तरीके से जंप ले रही है FII, यहाँ पे थोड़ा कम किया फिर जंप फिर बराबर फिर जंप और फिर जंप। वहीं बात करें DII की दोस्तों तो अभी प्रेजेंट होल्डिंग 12.46%, उन्होंने घटाई होल्डिंग। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें दोस्तों तो 21.24% की होल्डिंग है। बहुत सारे लोग मुझे ये कमेंट करते हैं, मैं आज उनको क्लियर कर दूँगा कि दोस्त कि सर FII तो खरीद रहा है DII बेच रहा है, तो दोस्तों ये कोई ऐसा तो है नहीं कि एक कितना भी माल पड़ा खरीदते चले जाओ सभी खरीद सकते हैं, ऐसा तो है ना, एक बेचेगा तभी तो दूसरा खरीद पाएगा ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए FII ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, इन्होंने अपनी होल्डिंग घटाई है, जो इन्होंने घटाया वो उन्होंने बढ़ाया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे और भी लोगों ने किया। तो दोस्तों ये चीज़ है, आपको इस चीज़ समझ लेनी चाहिए और अगर नहीं पता है तो ये डाउट आप क्लियर रखिएगा। चलिए देखते हैं आज के दिन किस तरीके की डिलीवरी उठी है, वो भी आपको बताता हूँ मैं। दोस्तों बात करते हैं अगर आज के दिन के कामकाज की, तो पहले देख लीजिए जो प्रीवियस क्लोज था 694 रुपये के आसपास देखने को मिला था, आज 700 पे ओपनिंग हुई, हाई 700 का ही लगाया है, जहाँ पे ओपन हुआ उससे थोड़ा सा हुआ 700
रुपये 95 पैसे लो 685 रुपये। वहीं अगर हम बात करें आज के क्लोजिंग 695 रुपये के आसपास देखने को मिली है दोस्तों। अगर आप बात करेंगे इसके 52 वीक हाई और लो, मतलब एक साल में कितना हाई लगाया कितना लो, जैसा मैं आपको बता ही चुका हूँ 105 का लो 794 और 95 का हाई है दोस्तों। अगर हम बात करें इसके डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू की, तो दोस्तों यहाँ पर मैं डिलीवरी भी आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरीके की डिलीवरी इसमें उठाई जा रही है। 23 जुलाई की, मतलब आज की बात करें तो जो क्वांटिटी ट्रेड हुई करीब 3,42,418 शेयर, डिलीवरेबल क्वांटिटी 1,46,536 शेयर की, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 42.79, मतलब करीब करीब 43% की डिलीवरी के अराउंड इसमें उठाई गई है। तो दोस्तों इस स्टॉक को बिल्कुल से नज़र में रखना है, बिल्कुल भी चूकना नहीं है, और जितना ये नीचे जाता जाए आपको बाई ही करना है। ये स्टॉक बिजनेस इतना शानदार है और मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मौका निकल जाएगा तो सिर्फ पछताते ही रहोगे, इसीलिए कृपया करके इस स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग करने की गलती ना करें। और अगर आप लेना भी चाहते हैं तो ये लेवल बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए आपसे कंसीडर किया जाता है, स्टॉक को कर सकते हैं आप। अच्छा लगे वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।